हेलो प्रतिभा जी। जी जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कन्हैया जी, बताइए ना, क्या बात है? जी, और अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। का? टेस्ट? हाँ मैया, डीएनए टेस्ट, डीएनए। डी दीना? अरे सासु माँ, ना धिन धिन्ना नहीं, सिर्फ धिन्ना, डीएनए टेस्ट। इससे दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, इससे बाप का बाप और बेटा का बेटा हो जाता है। इससे सब पता चल जाता है? हाँ सासु माँ, डीएनए जांच से सब साफ हो जाता है कि कोई किसी का असली बेटा है या नहीं। कन्हैया जी सोच के देखो, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? अरे ये तो बहुत ही कमाल का टेस्ट है, लेकिन ये होगा कैसे और कब? हो चुका है सासुमा, मेरा मतलब है डीएनए जांच के लिए कन्हैया जी और गोपाल के बाल के सैंपल हमने भेज दिए हैं। हाँ मैया, इस टेस्ट की जांच दिल्ली में होती है मैया, और डॉक्टर ने वो सैंपल दिल्ली भिजवा दिया है, जिसकी रिपोर्ट कल शाम तक आ जाएगी। हे जी, जरूरत है डीएनए बीएनए टेस्ट कराने का? गोपाल तो आप ही की तरह सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, वो आप ही का बेटा है। अरे वाह पद्मा जी, मैया तुम्हें जूही चावला का कहती है, तुम तो सच में इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगी हो। करो, कल शाम तक जितनी एक्टिंग करनी है कर लो, क्योंकि कल शाम को वो डीएनए जांच की रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी, और तब पता चल जाएगा कि ये जो चुन्नू मुन्नू है गोपाल, हाँ ये जो गोपाल है वो हमारा नंदलाल नहीं है। मामा, अजब घर आए हैं। ऐसे दीदी, सासु माँ, ये डीएनए टेस्ट होता क्या है? बेटा, लगता है आपकी मम्मी को समझ में नहीं आया कि ये डीएनए टेस्ट का होता है। डीएनए टेस्ट का मतलब होता है हम डैडी नहीं आपके, डीएनए। अच्छटकू, ये दादी नहीं आपके, डीएनए। दीदी, हम लोग भी डीएनए, दीदी नहीं आपके। सासुमा, 500 रुपया दो, नहीं तो हम भी डीएनए, दामाद नहीं आपके। मैया, कल शाम को हम खुद दिल्ली जाके ये रिपोर्ट 6 बजे तक ले आएंगे। मैया तो अपनी जूही चावला से कह दे मैया कि घड़ी के घंटे गिनना शुरू कर दे। जी हमने बात सुनिए ना। हाँ पद्मा, क्योंकि कल शाम को 6 बजे तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। जूही चावला सुन लिया, कल शाम 6 बजे तक अपनी पेटी कपड़े बांध के रखना। ए साले साहब, कोई डीएनए टेस्ट होता है क्या? डीएनए टेस्ट ये क्या होता है? बीवी नहीं आपकी। अरे तुमसे भी छुटकारा मिल जाएगा हमको। भैया, लेकिन अगर टेस्ट में इस फूल के माली आप ही निकले तो जीजे के फ्लॉप नाटकों की कसम, हम इस बच्चे को अपना लेंगे, और आपको भी। हेलो। अरे बिजली डालेंग, अरे तू ना फोन पे भी करंट मार देती है बहुत जोर से। बिजली बिजली करना बंद करो, यहाँ कट गई है बिजली, बवाल हो गया है। हम जानते थे एक ना एक दिन ये जरूर होगा, लेकिन आज ही होगा ये नहीं ना जानते थे। अरे पर हुआ का? नहीं, फोन पे नहीं, शाम को आके पीछे वाले चौराहे पे मिलो। पापा गजब गिरा है। ठीक है। का? बच्चे का डीएनए किया जा रहा है? हाँ, ये लोग छुटंके का और कन्हैया का डीएनए जांच करा रहे हैं, ये देखने के लिए कि वो कन्हैया का बेटा है कि नहीं। उनका सैंपल भी भेज दिए हैं, और रखा रिपोर्ट कल शाम 6 बजे आ जाएगा। लगा ना झटका, जैसी वो रिपोर्ट आएगा ना, वो घर से हमरा खटिया खड़ी हो जाएगी और हमरा बिस्तरा गुल।
चिंता मत करो ले नाशपाती का। अरे नहीं खानी हमको, नाश तो वैसे ही पिटने वाला है और तुम हमको नाशपाती खिलाओ। दिमाग लगाओ राका, दिमाग लगाओ। वो रिपोर्ट कल शाम 6 बजे आ जाएगा, हमरे पास 12 घंटे भी नहीं बचे हैं। राका इतना जल्दी तुम वो घर अपने नाम कैसे करवाएगा? मैं नहीं, तू करवाएगी। हम कल शाम 6 बजे जांच की रिपोर्ट आने से पहले तू बस देखती जाओ, कुंती चाची घर के कागज हमारे हाथ में होंगे। अरे ओ जूही चावला। सासू माँ। ए नीचे उतर। प्रणाम सासू माँ, हम भगवान से आराधना कर दिए हैं कि हमारी सच्चाई का और हम माँ बेटे का जीत हो। क्यों छूट गए पसीने? आ गए भगवान याद? डीएनए जांच की बात आ गई तो चपले जूही चावला, चपले भोले का नाम। लेकिन भोले सिर्फ उसका साथ देते हैं जो सच्चा, और सिर्फ मेरा लल्ला सच्चा है। सासुमा का बात है, काहे चिल्ला रहे हो? 2000 रुपए दो। 2000 रुपए? अरे छोले टिक्की खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, डीएनए जांच की रिपोर्ट लाने के लिए जाना है दिल्ली, उसके लिए मांग रहे हैं। तो जल्दी। हाँ माँ जी, थोड़े पैसे और दे दीजिए। अब दिल्ली जा ही रहे हैं तो खारी बावरी से मसाले भी ले आएंगे, अथवा लाभ पद्र अल्पव्ययी थोक बिक्री विक्रेता से चंदन युक्त प्रभु अर्चना यंत्र भी, और थोक में चंदन अगरबत्ती भी सस्ती मिलेगी, कह रही है दीदी। हाँ वैसे नंदोई जी, दिल्ली में ना दरियागंज के पास किताबों का बहुत बड़ा बाजार लगता है, तो मेरे लिए भी 3-4 किताबें लेकर आना प्लीज। ना ना, लल्ला से कह देंगे कि आगरा से पेठा और मथुरा से पेड़े लेता आएगा। भाभी आप चिंता मत करो, मैया ना कंजूस है, मैं भैया से बोल के सब ले आऊंगी। ए, लेडी मगरमच्छ, अब तू कमर मत काती हुई कहाँ जाएगी? अरे भैया दिल्ली जा ही रहा है तो मैं भी घूमाऊँ। 75,000। अरे दे दो 75,000। हाय सुनो, चलो तुमको कुतुब मीनार भी घुमा देंगे और वहीं से धक्का भी दे देंगे। इसको निपटाने का 80,000। हाँ साले साहब, आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे सासुमा 20 रुपये भी न दे रही है यार। ए सासुमा 20 रुपये दो ना, आते हैं, रुको। चलो आशीर्वाद दे दो। ओ जूही चावला, गाले जो 2-4 गाने और गाने, इस घर में तेरा समय अब बहुत कम बचा है। भैया हम कह रहे थे कि आप हमारे बड़े भाई हैं, देवता हैं, तो भैया हम भी आपके साथ दिल्ली चलें का? और भैया रेशमा को भी साथ लेकर चलेंगे। भैया उस बेचारी ने आज तक लाल किला नहीं देखा है, लाल के नाम पर सिर्फ हमारे गाल लाल किए हैं आज तक। ओ दिल्ली घूमने नहीं जा रहे, डीएनए जांच की रिपोर्ट लेने जा रहे। भैया आपको पता है रिपोर्ट लानी है, हमको पता है रिपोर्ट लानी है, गाड़ी को थोड़ी पता है, है? इससे तो लाल किले के सामने रोकेंगे, ये अपने आप रुक जाएगी। गाड़ी साफ कर, लाल किला। वाह साले साहब, गाड़ी तो एकदम चकचका दी है। ए जीजा, हमारा हाथ जिस चीज पर पड़ता है ना, वो चीज सोना हो जाती है। अबे तो अपने मुंह पर काने 2-4 चांटा मार लेते हो। करोल बाग में मोबाइल कवर भी अच्छे मिलते हैं, मैं तो 4-5 ले लूंगी, बड़े भैया मुझे सब दिला देंगे। हाँ चलो भैया। चलो जीजा, लेट हो रहा है। चिलगोजे, हम लोग निकल जाएंगे तो मूंगफली खाने मत निकल जाना। और सुन, हाँ। चौकसी साहब के यहाँ वो 12 साड़ियाँ भिजवानी है सिल्क की, टाइम पे पहुँचा दियो। भैया हम कह रहे थे हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, भगवान करे आप दिल्ली से लड़के के बाप बन के लौटे, मतलब डीएनए टेस्ट आपके पक्ष में निकले,
हाँ, और आप मुंह मीठा करके बताएं कि आप बच्चे के बाप नहीं निकले। बेटा गलती से बाप निकल भी गया ना, तो मिठाई की जगह सस्ते में चांदनी चौक से खिलौना लेके आएंगे, चिंता ना करो। जीजे टाटा टाटा यार, जानिंग मन हमारा भी था, हमको लेके गया ही नहीं, दिमाग खराब हो गया। चल बेटा खतरू चाय पी कर आते हैं, चल लो। स्पेशल है ना, स्पेशल चाय पीने में मजा ही कुछ और है। अबे यार हद है, लोगों का दिमाग खराब होता है तो चाय पीने के लिए आते, तुम मुंह भी खराब कर देते हो, शरीर में बचा क्या? देखो ए भाग्य रमेश, ए खिलखिला हंस रहे हो फोन में देख के, हैं? हमें भी तो दिखाओ कौन सा चुटकुला है, इसकी सड़ी हुई चाय से दिमाग तो हटाऊं। अरे चुटकुला नहीं, हाँ? विस्फोट विस्फोट। अबे तुम लोग दिवाली से पहले पटाखा ऑफिस खरीदने लगे हो क्या तुम लोग? ये भैया ही देखा बिजली, देखे देखे अबे उल्टा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कौन है ये? बोला ना भैया, हाँ? कजरौल की बिजली डांसर। बिजली डांसर? वह डांसर है, बहुत मशहूर है नागिन डांस के लिए। नागिन डांस? ये देखे 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 भैया भाभी, सेफ्टी कह देना, लेट आएंगे भाभी भाभी। खतरू भैया, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांत हो जाओ। कह रही है दीदी, खतरू भ्राताश्री कृपया करके संभाषित कीजिए, कदाचित किस कारणवश इस प्रकार कोलाहल उत्पत्ति में क्रियाशील है। चिल्ला क्यों रहे हो खतरू भैया, पूछ रही है दीदी। खतरू भैया क्या हुआ, आप यहाँ? भाभी गजब हो गया, कन्हैया भैया का फोन नहीं लग रहा है, हमने सोचा माँ जी को और आप सबको बता देते हैं। जल्दी बताओ खतरू भैया, दीदी से रहा नहीं जा रहा है। भाभी भाभी खतरू भैया, भाभी भाभी खतरू भैया, भाभी पद्मा भाभी, पद्मा भाभी नहीं है क्या? हाँ ये देखो, ये देखो देखो। अरे भैया डांसर है, डांसर नागिन डांस करती है ऐसे ऐसे करके। गजरौला में ना बिजली के नाम से जानी जाती है भाभी। हाँ इनका ना भाभी हर महीने गजरौला में ना नागिन डांस का प्रोग्राम लगता है। हमने कन्हैया भैया से कई बार कहा, भैया हमने इनको कहीं देखा है कहीं देखा है, आज पता चला भाभी ये कौन है। दीदी चलिए माँ जी को जाके बताते हैं। अवश्य बोली। नहीं नहीं रुको, सिर्फ फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा, सोच के देखो। पद्मा भी तो कह सकती है ना कि हमने नकली फोटो बनवाया है, इससे उसका झूठ साबित नहीं होगा। क्यों ना हम गजरौला जाकर कोई पक्का सबूत हासिल करें? हाँ ये सही आइडिया है। अरे भाभी गजरौला आस पास नहीं है, 1.25 घंटा लगता है वहाँ जाने में। कोई बात नहीं, दीदी उस पद्मा को घर से बाहर निकालने के लिए चांद तक भी जा सकती है, और दीदी जा सकती है तो समझो। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं प्रेमा और खतरू भैया हो आएंगे। निषेध प्रतिभा बहन निषेध, निकटवर्ती स्थान नहीं है अपितु दूरस्थ स्थान है, अर्थात हमारा अल्प मात्रा में प्रस्थान करना ही उचित होगा। अरे बीच में हम मोदी नगर उतर के सिकंजी नहीं पिएंगे, आप चिंता न करें। नहीं इतनी दूर गजरौला अकेले नहीं जाने देंगे, सब साथ में जाएंगे। कह रही है दीदी। माँ जी, और माँ जी को क्या कहेंगे? माँ जी तो सरला आंटी के साथ मंदिर गई है। ठीक है हम एक काम करते हैं, हम रास्ते में सासू माँ को फोन करके कोई बहाना बना देंगे। हाँ कह देंगे कि हम सब भी दीदी के साथ कन्हैया जी के लिए मन्नत मांगने काली पलटन मंदिर गए हैं। लेकिन परी बहन, एक काम करते हैं परी को भी साथ ले लेते हैं, नहीं तो माँ जी उसे संभालने के लिए हमें आवाज देती रहेगी और माँ जी को पता चल जाएगा कि हम घर पे हैं। नहीं हाँ तो ठीक है, चलिए भाभी आज कन्हैया भैया के गले से
पद्मा नामक फंदा निकाल के रहेंगे। जय शिव शम्मा। का? काली पलटन मंदिर? हाँ सासू माँ, हम पांचों बहुएं साथ में जा रही है काली पलटन मंदिर। पांचों की पांचों? शाम तक आओगी? अरे तुम मंदिर गई हो या माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने? इतना टाइम काहे लगेगा? इतना टाइम इसीलिए लगेगा क्योंकि क्या है ना कि मैं समझाती हूँ आपको, वो माँ जी वो दीदी के साथ साथ हम सब भी काली पलटन मंदिर के 562 चक्कर लगाएंगे, इसलिए आधे आधे शाम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आना। ठीक है माँ जी। और माँ जी, आपको चाय पीने का मन किया तो पद्मा को बोल दीजिएगा चाय बनाने के लिए। ए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि माँ जी हम जल्दी आ जाएंगे, आप फिकर मत कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, दीदी की बोली बहुत बढ़िया बोली। भैया आप पीछे वाले रिक्शे को पीछे पीछे ही रखना, उसमें दीदी बैठी है, कहीं भटक ना जाए। समझ गए हैं वो। हाँ। दीदी आप ठीक तो हो ना? ये थार बोली। हाँ, ठीक है भैया। हाँ उनके पीछे चलो, शीघ्र शीघ्र भ्राताश्री। हाँ मैं समझाती हूँ भैया। हाँ? आपकी गाड़ी उड़ती नहीं है क्या, पूछ रही है दीदी, है ना? शिव शंभू, बहुएं भी शाम को आएंगी और लल्ला भी, अब तू अकेले क्या करेगी कुंती? वो घड़ी आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारी कुंती चाची घर में अकेली है ना? बहुत अच्छा। वो कन्हैया है ना, वो अपनी आलसी बहन और उन निठल्ले जीजे के साथ बाहर गया है दिल्ली, और वो पांच बहुए मंदिर गई हैं। बस 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 बिजली, अब तो ठीक वैसे ही करना जैसे हमने तुझे बताया। फिर देख, हम बनेंगे इस घर के राजा और तू बनेगी इस घर की रानी, क्यों है कि नहीं? रानी बनेंगे? वो कैसे बनेंगे? तुम्हारी कुंती चाची जो रास्ते में खड़ी है, एक बात बताएं, वैसे ये औरत है बहुत ही टेढ़ी, तुम्हें लगता है ये कागजात पे दस्तखत करेगी? करेगी, तुम्हारी आंखों के सामने करेगी। हम जानते थे हमरा राका बेबी कुछ भी कर सकता है, पर ये कुंती चाची से घर अपने नाम करवा सकता है ये नहीं ना जानते थे। पर हम अपनी कुंती चाची को बहुत अच्छे से जानते हैं ना बिजली, वो अपने लाडले कन्हैया और अपने बहुओं के लिए कुछ भी कर सकती है। बस अब तू अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है? हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, दिल्ली से डीएनए की जांच रिपोर्ट लेके जैसे ही कन्हैया वापस आए उससे पहले पहले कुंती निवास हमारे नाम होना चाहिए। अच्छा रखते हैं, बाद में फिर से फोन करेंगे। लव यू।